जो लाइट पे लगता है काउल, ये वाला काउल अपन रिप्लेस करेंगे। वैसे कोई टूटा टाटा नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं इसका काउल चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कि ये काम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने का आता है, कैसे खुलेगा, कैसे लगेगा। वो नया वाला ये रखा है जो मैं लेके आया हूँ, शोरूम से मैंने मंगवाया ऑर्डर करके। इसका प्राइस और पार्ट नंबर ये देखिए 899 का है, और ये पार्ट नंबर 2017 की पैकिंग है। इसको खोलो अर्जुन। ये अपना न्यू वाला काउल या मास्क जो भी कहते हैं, वो एकदम ओरिजिनल है। ओरिजिनल की पहचान बताऊं मैं तो, ये देखिए निकालते हैं फिर करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। वापस रख दो। सबसे पहले अपने को एक ये वाला नट, एक ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, और फिर ये वाला, फिर ये वाला नीचे से भी खोलना पड़ेगा। खोलते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 ये खोलना पड़ेंगे, तो खोलते हैं इसको। रोक लो, वो खोलिए। इसके बाद ये अंदर एक 10 का नट दिख रहा है, ये वाला नट खुलेगा। रोक लो। तो मास्क खुल चुका है, आप देख लीजिए, ये मास्क है पूरा खोल दिया है। अब इसका मीटर खोलेंगे। मीटर खोलने के लिए आपको ये 4 नट दिख रहे हैं, जो 1 2 3 4 ये चारों नट खोलना पड़ेंगे, तो आपका मीटर भी खुल जाएगा। और ये मीटर केबल भी खोलना पड़ेगी, और ये वायरिंग के सॉकेट निकालना पड़ेंगे, मीटर हो जाएगा अलग। ये मास्क खुल चुका है, इसकी वायरिंग वगैरह सब। हाँ, मीटर भी खुल चुका है, मीटर के सॉकेट वगैरह सब निकाल दिए हैं, तो मीटर भी बाहर आ गया है। तो मास्क को हमने खोल के छत पे लिया है। जो स्क्रू दिख रहा है, ये क्लैम्प दिख रहा है, ये अटैच रहता है ये काउल से, साइड काउल से। और ये स्क्रू दिख रहा है, ये फ्रेम है, जो ये इसमें लाइट फिट और वगैरह जो फ्रेम है, ये अपना गाड़ी के चेचिस में कस फिट होता है। ये स्क्रू निकालना पड़ेंगे आपको, जो स्क्रू दिखा रहा हूँ मैं, ये 4-5 जो स्क्रू दिख रहे हैं, और ये क्लेम वगैरह ये सब खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही न्यू वाला वो फिट होगा आपका, न्यू वाला मास्क। ये जो भी फिटिंग है, इसकी फिटिंग वो वाले नए वाले मास्क में लगेगी, और लाइट भी फिट होगी, और ये वायरिंग भी जैसे इसमें लगी वैसे ही उसमें लगेगी। तो करते हैं फटाफट। तो लेफ्ट साइड वाला काउल खोल चुके हैं हम, और अब राइट साइड वाला खोलेंगे। तो लेफ्ट साइड का काउल खुल चुका है, इसी तरीके से राइट साइड वाला काउल भी खुलेगा। और ये पार्ट नंबर मैं आपको दिखा दूँ, ओरिजिनल जेनुअन है होंडा का। राइट साइड वाला काउल खुल चुका है, और ये इंडिकेटर दिख रहे हैं आपको, ये इंडिकेटर के बोल्ट हैं, ये नट खोलना पड़ेंगे अपने को इंडिकेटर के लिए। उसके बाद ये फ्रेम खुलेगा, और फ्रेम खोलने के बाद लाइट खोल लेंगे हम। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ इसमें कौन कौन से क्लिप लगे रहते हैं। ये क्लिप आपको निकालना पड़ेंगे, एक तो ये ऊपर वाले 2 क्लिप निकालना पड़ेंगे, उसके बाद ये चारों जो अंदर से रबड़ के अंदर बोल्ट है, ये बेंडे स्क्रीन का साथ ही इस पर, तो ये भी निकालना पड़ेंगे आपको। और ये बीच में एक रबड़ लगी है, ये भी आपको निकाल के पुराने वाले में, नए वाले में लगाना पड़ेगी। तो अपना ये नया वाला मास्क है, और मास्क में से पूरी फिटिंग निकाल ली, और ये न्यू वाला मास्क है, और न्यू वाले मास्क में पुरानी वाली फिटिंग इंस्टॉल करेंगे। तो ये अर्जुन भाई अपने ये दिखा रहे हैं, जो भी मास्क दिखा रहा है न्यू वाला, एक बार और देख लीजिए। तो इसमें पुरानी वाली फिटिंग जो है पूरी, वो इंस्टॉल करेंगे फटाफट। तो करते हैं इसको इंस्टॉल। लूमैक्स लाइट फिट हो चुकी है, अब बाकी फिटिंग भी इंस्टॉल करते हैं। इसका जो फ्रेम है लोहे वाला, कहाँ गया, ये फ्रेम इंस्टॉल करते हैं फटाक। ये अपना न्यू ओल्ड वाला मास्क है, ये पुराना वाला मास्क है। इसमें जो भी फिटिंग है, क्लैंप बोलते हैं या क्लिप बोलते हैं, जो भी है, उसकी निकाल के नए वाले में इंस्टॉल करना पड़ेगी। ये दिखा रहा हूँ मैं, जो इसी तरीके से मैंने आपको राइट साइड की दिखाई थी, अब लेफ्ट साइड की फिटिंग दिखा रहा हूँ, जो मैं क्लैंप दिखा रहा हूँ, जो भी है क्लिप वगैरह जो उसमें पुरानी वाले में है, वो न्यू वाले में इंस्टॉल करना पड़ेंगे आपको इसी तरीके से, इसमें लगेगा।
ये रबड़ की जो फिटिंग दिख रही है आपको, जो जिसमें विंड स्क्रीन कसाती है और एक ये मास्क में कसाता, ये चार इसको निकाल के इसमें लगाएंगे फटाक से। तो निकाल के लगाते हैं। तो ये वाला जो स्क्रू है विंड स्क्रीन का, तो ये एक बार यूज होने के बाद दोबारा लगता नहीं है ये। तो इसको मैं ना थोड़ा हल्का सा लुब्रिकेट करके इसके अंदर घुसाऊंगा। ये पेचकस से घुसेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। नीचे वाले उससे ही रुक चल होगी, इस तरीके से ये अंदर जाएगी। रोक ले समझ। तो भाई ये रबड़ भी मैंने लगा दी है विंड स्क्रीन की, जो रबड़ के स्क्रू उसमें कसाते हैं, ये भी लग गई है। बाकी फिटिंग अभी करते हैं तुरंत। ये वाली रबड़ और निकाल रहे हैं, ये निकल गई रबड़, ये लगेगी इसमें। हाँ, ये नई रबड़ लगा देंगे अपने पास है। तो भाई एकदम फ्रेश मैंने रबड़ का पूरा पैकेट, मैंने रबड़ का पूरा पैकेट ही खरीद लिया था। ये रबड़ ये लगाते हैं फटाक से, नया नया वाला। बड़ी टाइट सी लग रही, थोड़ा ऑयल लगा देते फट से बैठ जाती। इन छोटी छोटी चीजों की फिटिंग में बड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा यार आयल लगा देते हैं तो बस रोक ले यार। बड़ी मशक्क के बाद ये रबड़ बैठी है ये वाली, रोक लो। अब ये फटाक से ये वाला फ्रेम इंस्टॉल करते हैं। ये दिख रहा है आपको ये फ्रेम, जब भी वीडियो बनाएंगे बने। ये चारों नट कस रहे हैं फिटिंग के, रोक ले। तो भाई फ्रेम हो चुका है फिट, और बाकी भी जो आइटम है लॉक वगैरह, इसके लॉक निकालेंगे पुराने वाले के। ये लॉक ये है, पेच से निकाल के इसमें लगा लेंगे। चलो वो तो निकाल लेंगे। तो भाई ये ब्रैकेट है, जो भी लिखा है इस पर देख लीजिए आप, ये 1414 रुपये का है। इसको फाड़ता हूँ मैं, कहाँ लगेगा ये बताता हूँ। ये यहाँ लगेगा इसमें प्लेट में, और ये है एक और AWF, ये है 2700 रुपये का स्टे नंबर प्लेट। ठीक है, कुछ ऐसा देखने करते हैं फटाफट। भाई कुछ इस तरीके से ये लगेगा। तो मैं ये नया फ्रेम लाया हूँ, तो नया ही वाला लगाएंगे। यूं करके है ना, इसको रुकाएंगे बड़े बड़े। रात हो रही है, फटाफट कर लेते हैं काम। तो भाई रात हो चुकी है, मास्क होके कंप्लीट तैयार है। आगे से भी दिखा दो भाई, फ्रंट से भी दिखा दो, थोड़ा ऊंचा करो। कंप्लीट है, अभी पन्नी भी नहीं उतरी है इसकी काउल की। ये देखो अभी ये कंप्लीट हो जाएगी तब निकालेंगे। वह ऊपर का ऐसा कंप्लीट हो गया, अब इसे बाइक में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, माफ उठा थोड़ा। हाँ ये हो गई भाई पूरी कंप्लीट, आप देख सकते हो चारों तरफ से। सबसे पहले इसका मीटर इंस्टॉल करेंगे,
मीटर के बाद फिर कर करेंगे काउल, रोक लो। ये लगा दिया भाई हमने, ये फिट कर दिया है मीटर। मीटर लग चुका है, इसके नट कसना, नीचे दिखाओ थोड़ा नीचे, चार नट कसाएंगे कसते हैं फटाक से, रोक ले रोक ले। ये भाई मीटर केबल है वाइट नंबर, ये देखो मीटर केबल है कितने की, 103 रुपए की, वाइट नंबर देख लो 2020 नया मीटर तो नई केबल। ठीक है करते हैं इसको स्टोर। मार्च हो चुका है फिट, थोड़ी बहुत प्रोसेस बची है थोड़े पीछे, ये हो चुका है मार्च फिट। ऐसे में कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। मीटर नहीं है, मीटर भी हो चुका है फिट एकदम, एक फोक के रिपोर्ट। तो गाड़ी की फिटिंग हो चुकी है, स्क्रू कसना है यहाँ वाला, आगे का कस दिया और साइड की काबलू कसना, तो करते हैं फटाफट इंस्टॉल फिर दिखाते हैं आपको। ओके गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, लाइट जला के देख लेते हैं भाई भाई। हाँ बस टाइम बहुत लग गया, गाड़ी एकदम रेडी है। ये देखो नया मीटर 00 रीडिंग, कंप्लीट हो गई गाड़ी। ठीक है अर्जुन भाई,